गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आप सबका मेरे चैनल पे। तो आज मेरा लास्ट डे था धनबाद में। आज मैं बेंगलोर के लिए वापस निकल रही थी और जब मैं आई थी तो ये एक हैच हुआ था और इसमें से दो पिजन निकले थे और पिजन बड़े हो गए थे। तो आज सुबह सुबह सबसे पहले मैंने नाश्ता और खाना बना लिया जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे पैकिंग भी करनी थी और काफ़ी सारा सामान पैक करना था, क्योंकि अभी जब ट्रेन पर हम जाते हैं सफ़र के लिए तो कुछ ना कुछ लगेज बहुत ज़्यादा होते ही जाता है कि ये भी रख लो वो भी रख लो। और मैं शादी के लिए आई थी तो मैं सामान भी बहुत ज़्यादा लेके आई थी इस बार प्रियांश के, मैंने लगभग सारे कपड़े लेते आई थी। तो वो सब पैक करना है मुझे और सारा कलेक्ट करके पैक करना, सब याद से पैक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले एक चीज़ किया कि मैं सबसे पहले खाना बना लिया, क्योंकि फिर बीच बीच में कभी खाना बनाओ कभी पैकिंग करो इसमें माइंड बहुत डाइवर्ट होता है। तो मैंने सबसे पहले खाना बनाया, उसके बाद प्रियांश भी सुबह सुबह उठ गया था। तो प्रियांश जैसे ही उठता है उसे सिर्फ मम्मी चाहिए होती है और दूसरा चीज़ कोई चाहिए होता है तो वो उसका दोस्त। तो दिन भर प्रियांश सिर्फ इसी के साथ अपने दोस्त के साथ खेलते रहता है, सुबह उठता है और ना ब्रेकफास्ट ना कुछ, इसके साथ खेलते रहता है। बहुत इंजॉय किया इसने समर वेकेशन, अब रात हो चुकी थी। प्रियांश ने अपने दोस्त को गुड बाय किया क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हमारी ट्रेन थी यहाँ से आसनसोल के लिए, आसनसोल से हमारी बेंगलोर के लिए ट्रेन थी, तो हमें दो ट्रेन चेंज करना था। तो इसलिए प्रियांश ने अपने दोस्त को एक टाइम के लिए बाय कर दिया, फरवरी में आएगा प्रियांश। तो सुबह सुबह 5 बजे की ट्रेन थी तो मैं 4 बजे लग गई थी थोड़ा सा टिफ़िन बनाने के लिए। तो मम्मी ने भी थोड़ा बहुत हेल्प कर दिया था, मम्मी ने बहुत कुछ बनाया था। मम्मी ने सत्तू की पूड़ियाँ बनाई थी और भुजिया बनाया था, मैंने अपने लिए आलू का पराठा बनाया क्योंकि मैं सत्तू की पूड़ियाँ नहीं खाती। तो उसके बाद फिर हम लोग रेडी हो गए थे। मम्मी थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है जब भी हम लोग को जाना रहता है, तो बहुत इमोशनल हो गई थी अपने आंसुओं को छुपाते हुए। वो अपने किसी तरह से कंट्रोल कर रही थी कि ना रो, इसलिए वो लूडो खेल रही थी। तो ये बहुत इमोशनल मोमेंट होता है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता इस टाइम में मम्मी को छोड़ के जाना। और उसके बाद फिर हम सुबह सुबह निकल गए थे स्टेशन के लिए, तो धनबाद को बाय कहते हुए। बीच बीच में वेकेशन में धनबाद आना एक अलग ही फीलिंग होती है, क्योंकि मेरा भी बचपन यहीं इसी शहर में निकला है और मेरी शादी भी यहीं हुई है। बेंगलोर तो मैं अभी गई हूँ लेकिन ये शहर से थोड़ा सा अलग अटैचमेंट है, बचपन की यादें हैं। उसके बाद हम लोग बैठ गए थे ट्रेन पे, ट्रेन अभी खुली नहीं थी और एसी भी नहीं स्टार्ट हुआ था, इसलिए गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि पूरा पक गए थे हम लोग एकदम। और सुबह सुबह 5 बजे इतनी गर्मी लग रही थी कि पूरा हालत ख़राब हो गया था। और किसी तरह से बोल के हस्बैंड तो एकदम बैठ ही नहीं पा रहे थे, वो तो बाहर घूम रहे थे ताकि किसी तरह से गर्मी से टैकल कर सके। उसके बाद फाइनली हमारी एसी चल गई, अब ट्रेन का मज़ा आने वाला था। क्योंकि मुझे क्या है कि मुझे सबसे बेस्ट राइड अगर कहीं ट्रैवल करना है तो मुझे सबसे बेस्ट जर्नी लगती है ट्रेन की, और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ ट्रेन की जर्नी, सिर्फ बाथरूम को छोड़ के अगर वॉशरूम यूज़ ना करना रहे तो, क्योंकि वो थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है क्योंकि गंदा रहता है, पब्लिक प्लेस रहता है। तो इसलिए हमारी ट्रेन सुबह सुबह, हम लोग की 1 घंटे की ट्रेन थी धनबाद से आसनसोल के लिए, तो 1 घंटे हम लोग सिटिंग चेयर कार में गए थे। और उसके बाद फिर अच्छा लग रहा था, सुबह सुबह का जर्नी था और सब कुछ, वेदर बहुत शांत था और व्यूज़ से काफ़ी अच्छे आ रहे थे, तो इन्जॉय करते हुए जा रही थी। सुबह सुबह मैंने ट्रेन में ही अपनी चाय भी इन्जॉय की थी और प्रियांश भी सुपर एक्साइटेड था, वो भी रात भर नहीं सोया था, उसका चेहरा पूरा छोटा हो गया था, पूरा एकदम सोया ही नहीं वो रात भर। और उसके बाद फिर 1 घंटे की ट्रेन की जर्नी के बाद हमारा स्टेशन बस आने ही वाला था और व्यू भी काफ़ी प्यारा लग रहा था, तो लग रहा था कि बस ये जर्नी ऐसी तरह चलती जाए, क्योंकि लगेज के साथ ट्रेन चेंज करना एक बड़ा टास्क हो जाता है। और हमारी जो पहली ट्रेन थी और दूसरी ट्रेन के बीच में करीब 2 घंटे का गैप था, तो हमें 2 घंटे वेट करना था। तो हमने आसनसोल में ही वेटिंग रूम में वेट किया और प्रियांश एज यूजुअल एक्साइटेड था ही और उछल कूद चल ही रहा था, और रात में सिर्फ ये लड़का 2 घंटे सोया था और अभी इतना एक्टिव था, पता नहीं इसे नींद से क्या प्रॉब्लम है, ये सोता ही नहीं है। और बहुत इतना, जब हमने दूसरी ट्रेन चेंज की उसमें हमारा साइड लोअर साइड अपर बर्थ था, आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक लाइक सब्सक्राइब शेयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।